हेलो एवरीवन, आप सबको टीम लीप द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए OSSSC ANM और MPHW फीमेल के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQ क्वेश्चन लाया। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। मेजर पार्ट ऑफ असेसमेंट इज डन बाय ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी इंटरव्यूइंग, सी फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डी इनिशिएशन। इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस वीडियो में पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। सो थैंक्स टू मोहिनी एंड लता, आप दोनों मेरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट में दिया था। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाया था, तो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। सो चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रिंजिंग द सीरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस। ऑप्शन ए एड्रेनालाइन, बी डोपामाइन, सी डोपामाइन एंड डी हेपारिन। इसका करेक्ट आंसर होगा हिपारिन। हिपारिन क्या करता? हिपारिन एंटीकोएगुलेंट का काम कर सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इज। ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, बी सुपाइन पोजीशन, सी प्रोन पोजीशन एंड डी सिम्स पोजीशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए लिथोटोमी पोजीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS आर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस। ICDS प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1970, 1975, 1992 एंड 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा 1975। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस EPS। EPS क्या? एक्स्ट्रा पिरामेडिकल सिम्टम्स। ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक्स, बी SSRI, सी मूड स्टेबिलाइजर्स एंड डी एंटी एंजाइटी ड्रग। इसका करेक्ट आंसर क्या? ए एंटीसाइकोटिक्स। ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या करता? इस ड्रग डोपामाइन लेवल को कम कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। ए सैनिटेशन, बी इम्यूनाइजेशन, सी मिड डे मील प्रोग्राम एंड डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज बी इम्यूनाइजेशन। ये स्कीम कब लॉन्च हुआ? ये स्कीम 2013 का 25 दिसंबर में लॉन्च हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी लॉजिकल थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग एंड डी परसेप्चुअल थिंकिंग। इसका राइट आंसर होगा परसेप्चुअल थिंकिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर द सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए फिब्रिनोजन, बी कैल्शियम, सी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड डी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म वन मेक एक्सक्यूज गिविंग ए रीजन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, बी रेशनलाइजेशन, सी डिस्प्लेसमेंट एंड डी रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी रेशनलाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इन बेड रिडन पेशेंट इज। ऑप्शन ए 2 आवरली पोजिशन चेंज, बी डेली बेड बाथ, सी अवॉइड मॉइस्चर एंड डी मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2 आवरली पोजीशन चेंज। अगर हम 2 आवर में पोजीशन चेंज करता तो हम बेड शोर को प्रिवेंट कर सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the incubation period of tetanus? Option A 5 days, B 10 days, C 20 days and D 25 days. इसका आंसर होगा बी 10 डेज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनप्लीजरेबल रिएक्शन टू एन इमेजिन्ड डेंजर इज. ऑप्शन ए एम्बिवेलेंस, बी अपाथी, सी एंजाइटी एंड डी फोबिया. इसका करेक्ट आंसर होगा डी फोबिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए इज. ऑप्शन ए डिफरेंशियल साइनोसिस, बी सेंट्रल साइनोसिस, सी पेरिफेरल साइनोसिस एंड डी ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशियल साइनोसिस. ये डिफरेंशियल साइनोसिस में क्या होता ना, ये साइनोसिस में हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है अपर एक्सट्रीमिटीज इस कलर पिंक हो जाता और लोअर एक्सट्रीमिटीज इसका कलर ब्लूइश हो जाता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटा इज. ऑप्शन ए IgA, बी ऑप्शन IgM, सी IgG एंड डी IgE. इसका करेक्ट आंसर होगा सी IgG. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज द फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड. ऑप्शन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड डी नॉन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिन का सॉल्यूशन का एक एग्जांपल क्या, इसका एक एग्जांपल है मेनिनटोल, मेनिनटोल सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 15th क्वेश्चन ये आपके लिए. द क्वेश्चन इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेरम लिथियम टेस्ट इज. ऑप्शन ए 0.6 to 1.2 mmol/L, बी 0.10 to 3.2 mmol/L, सी 1 to 1.8 mmol/L, डी 1.2 to 2.2 mmol/L. इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी. सो थैंक्स टू ऑल. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो. थैंक यू सो मच.